हेलो गाइस, अभी के टाइम पर 10,000 के सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं, बट इनमें से कुछ ही स्मार्टफोन्स हैं जो दी बेस्ट वैल्यू देते हैं। बोले तो बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो तगड़े परफॉर्मेंस के साथ ओवरऑल तगड़ा पैकेज निकाल कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस सेगमेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। और एक स्मार्टफोन तो ऐसा है जिसे देखकर गेमर्स बोलेंगे वाओ। इन स्मार्टफोन्स में आपको 120 हर्ट्ज तक का हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 800 सीरीज तक का प्रोसेसर मिल जाएगा, बड़ी बैटरी के साथ 33 वाट फास्ट चार्जर मिल जाएगा, और तो और इसी प्राइस पर आपको 5G फोन्स और 6GB तक का रैम भी देखने को मिल जाएगा। मतलब इस प्राइस पॉइंट पर जो सबसे बेस्ट आप सोच सकते हो उससे भी हल्का बेटर मिलेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जो कभी 20,000 प्लस में मिला करता था, बट अभी ये स्मार्टफोन 11,000 पर अमेजोन पर अवेलेबल है और बैंक ऑफर के साथ मात्र 10,000 में ले सकते हो। तो फोन का नाम है पोको F1। आई नो ये फोन हल्का पुराना हो चुका है, बट अभी भी जिन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए ये फोन इस प्राइस पर एक ड्रीम फोन जैसा है। पर पहले पूरी बात समझ लेना इस फोन के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, फिर डिसाइड करना कि ये 2023 में परचेज करना सही रहेगा या नहीं। तो पहले फटाफट बात कर लेते हैं इसके तगड़े स्पेक्स की। इसमें 6.18 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है विद 60 हर्ज रिफ्रेश रेट। पोको के डिस्प्ले गेमिंग में कभी निराश नहीं करते और इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले तो गेमिंग के लिए ही बनी है। इसमें आपको सेंसिटिविटी से लेकर टच सब कमाल का मिलता है, तो इसके डिस्प्ले को लेकर आपको गेमिंग या डे टू डे यूज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हालांकि इसका डिजाइन आपको ओल्ड सा फील हो सकता है क्योंकि ये कटआउट डिस्प्ले के साथ आता है आईफोन की तरह, तो ये अपना अपना सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका एंटेंटु स्कोर 3 लाख के करीब आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 41 out of 100। देखो इसका प्रोसेसर ही इस फोन का की सेलिंग पॉइंट रहा है पहले भी और इस प्राइस पर अभी भी। कहने को ये स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर है, बट इसका कंपैरिजन आप अभी के 800 सीरीज से नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोसेसर काफी ओल्ड हो चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। फिर भी अभी 10,000 के हिसाब से बहुत है। इसमें आप फ्री फायर अल्ट्रा ग्राफिक्स पर अच्छे से खेल सकते हो और लॉन्ग यूज में स्टैंडर्ड पर खेलने के लिए कंसिडर कर सकते हो और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। बोले तो BGMI में 60 FPS की गेमिंग ठीक ठाक करा देता है। गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ज्यादा उम्मीद मत रखना, बस गेमिंग के लिए सही रहेगा। वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ कर सकते हो। इस स्मार्टफोन में हीटिंग भी नॉर्मल देखने को मिलता है, लंबी गेमिंग पर भी ओवरहीटिंग वाला कोई सीन नहीं होता। इसके अलावा इसमें 4000mAh की बैटरी मिल जाती है विद 18 वाट फास्ट चार्जर। बैटरी बैकअप ओके मिलता है इसमें, मतलब फुल चार्ज पर आप 4 से 5 घंटे तक की गेमिंग कर सकते हो। फोन ओल्ड है तो पहले इतने ही बैटरीज आते थे और फास्ट चार्जर भी नॉर्मल सा मिलता था, तो बैटरी डिपार्टमेंट ओके है। बाकी कैमरा ओके सा मिलता है, बट 10,000 के हिसाब से अच्छा मिलता है। इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 तक का ही सपोर्ट मिलता है और आगे अपडेट्स भी देखने को नहीं मिलने वाला। अब सवाल ये आता है कि क्या अभी इसे गेमिंग के लिए परचेज करना चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी हो तो इसे बिल्कुल ले सकते हो, बट ध्यान रखना ये स्मार्टफोन काफी ओल्ड हो चुका है और आपको तो पता ही है पुराना फोन प्लस MIUI का कॉम्बिनेशन क्या ही रहता है। मतलब ये फोन ओवरऑल यूज में हल्का स्लो फील होगा, हल्का लेट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इस फोन को अगर आप लेते हो तो इसमें सिर्फ गेमिंग ही करना, बाकी के एप्स ज्यादा मत डालना तभी सही रहेगा। और इस स्मार्टफोन को आप एज ए सेकेंडरी फोन की तरह यूज कर पाओगे, बोले तो सिर्फ गेमिंग और कॉल वगैरह बस। और हाँ, ये बेस्ट वैल्यू तभी रहेगा जब आप इसे 10,000 या इससे कम में परचेज करते हो। कभी कभी इसका प्राइस 15,000 भी चला जाता है, तो 15,000 पर इससे बेटर 5G फोन्स अवेलेबल है ये उतना सही नहीं रहेगा। सो अगर आपको 10,000 के सेगमेंट पर एक 4G स्मार्टफोन चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग अच्छे से हो सके, तो आप पोको F1 को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की जो है पोको M5 4G या Redmi 11 Prime 4G। दोनों स्मार्टफोन सेम ही स्पेक्स के साथ आते हैं। देखो, इन दिनों पोको को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहे और काफी सारे लोगों का पोको से भरोसा उठ चुका है, तो इस केस में जिनका भरोसा उठ चुका हो वो Redmi के साथ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन्स भी अभी काफी जबरदस्त हैं 10,000 के नीचे और स्पेक्स भी तगड़े मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं इनके अमेजिंग स्पेक्स की। इसमें 6.58 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट। पोको एंड रेडमी के डिस्प्ले गेमिंग के लिए ऑसम होते हैं और इन स्मार्टफोन्स की भी डिस्प्ले अच्छी है। इनमें सेंसिटिविटी, टच, ग्राफिक्स सब अच्छा मिलता है। सो डिस्प्ले के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन सेगमेंट में काफी अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर मिल जाता है जिसका एंटेंटु स्कोर 3,80,000 के करीब आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 27 out of 100।
इस फोन में भी आप फ्री फायर शुरुआत के 3-4 महीने आराम से अल्ट्रा सेटिंग पर बिना किसी मेजर फ्रेम ड्रॉप के खेल सकते हो और आगे चलकर स्टैंडर्ड सेटिंग पर इजीली कंटिन्यू कर लोगे। और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर बोले तो BGMI में 40 FPS की गेमिंग अच्छे से हो जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर आराम से कर सकते हो और शुरुआत में अल्ट्रा पर भी कर सकते हो, बट उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन्स परफॉर्मेंस के मामले में काफी सही है। इन स्मार्टफोन्स में हीटिंग भी नॉर्मल देखने को मिलता है, बट लंबी गेमिंग पर फोन हल्के हीट हो जाते हैं, बट इतना गेमिंग में नॉर्मल है, चलता है। इसके अलावा इनमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है विद 18W फास्ट चार्ज सपोर्ट। बैटरी बैकअप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफी अच्छा देखने को मिलता है, आराम से 6 घंटे से ज्यादा की कंटिन्यू गेमिंग हो जाती है। ये स्मार्टफोन्स 4GB एंड 6GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके 4GB के लिए आपको मात्र 8,500 देना होगा और 6GB के लिए 10,500। सो ओवरऑल अगर आपको एक परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए तो आप पोको M5 4G या Redmi 11 Prime में से एक को सेलेक्ट कर सकते हो। अगला स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi 10। ये स्मार्टफोन काफी कम प्राइस पर वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है और अभी 10,000 के नीचे ये सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन भी है। और ये स्मार्टफोन स्पेशली उन्हीं के लिए रहने वाला है जिनकी बजट बिल्कुल टाइट है, बोले तो 8,500 के आसपास है। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसके अमेजिंग स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 60Hz रिफ्रेश रेट। इसके डिस्प्ले में हल्का कॉस्ट कटिंग नजर आता है, फिर भी 10,000 के हिसाब से ठीक है। बाकी अगर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंसिटिविटी, टच, कलर एंड ग्राफिक्स सब सेगमेंट के अनुसार ठीक ठाक मिल जाता है। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले सेगमेंट के अनुसार अच्छा ही मिल जाता है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिल जाता है और ये प्रोसेसर इस स्मार्टफोन का वन ऑफ द की सेलिंग पॉइंट भी है, क्योंकि जनरली ये प्रोसेसर 10,000 के ज्यादा वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका एंतुतु स्कोर 2,00,000 के करीब आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है 17 out of 100। इसमें आप फ्री फायर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर अच्छे से खेल सकते हो और लॉन्ग यूज में आप इसे स्मूथ पर खेलने के लिए कंसिडर कर सकते हो और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी लो टू मीडियम सेटिंग्स पर ठीक ठाक खेल सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इसमें स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ कर सकते हो, हालांकि स्मूथ ग्राफिक्स पर आराम से कर सकते हो। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस नॉर्मल गेमिंग के लिए सही है। ये स्मार्टफोन लंबी गेमिंग पर भी ज्यादा हीट नहीं होता, थर्मल के मामले में ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा इसमें 6000mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है विद 18W फास्ट चार्ज और ये इस स्मार्टफोन का दूसरा की सेलिंग पॉइंट है। बैटरी बैकअप Redmi के फोन्स में वैसे भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर तो 6000mAh की बैटरी मिलती है, तो आराम से 8 घंटे तक की कंटिन्यू गेमिंग हो जाती है। बाकी कैमरा इसमें सेगमेंट के अनुसार ओके मिलता है और इसमें रैम बूस्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट, बोले तो 4+64GB वाला वेरिएंट अभी मात्र 8 या 8,500 के बीच में मिल जा रहा और 6GB वाला वेरिएंट 9,500 तक। सो अगर आपकी बजट बहुत ही ज्यादा टाइट है, बोले तो 8,000 के आसपास है, और अगर आप 30 मिनट या एक घंटे के आसपास गेमिंग करते हो तो आप नॉर्मल गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन को बिल्कुल ले सकते हो। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के 5G स्मार्टफोन्स की। तो देखो यहाँ पर कभी कभी इन फोन्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट जनरली 10,000 के आसपास ही मिल जाते हैं। तो 5G कैटेगरी में पहला फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पर इस सेगमेंट में 5G कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा तगड़ा वैल्यू दे रहा और सेगमेंट के हिसाब से इसमें जो स्पेक्स है वो भी अनबिलीवेबल है। तो फटाफट बात कर लेते हैं इसके अमेजिंग स्पेक्स की। इसमें 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, साथ ही मिलता है अमेजिंग 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट। ये इस सेगमेंट का इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट मिलता है। इस स्मार्टफोन में सेंसिटिविटी अच्छी मिलती है, टच भी बराबर काम करता है और ग्राफिक्स भी एक्यूरेट मिलते हैं। सो ओवरऑल गेमिंग या डेली यूज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो सेगमेंट के अनुसार इसमें वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मिल जाती है। बात करते हैं इसके पावर की। तो इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर मिलता है जिसका एंतुतु स्कोर 3,50,000 प्लस आता है और इसका गेमिंग परफॉर्मेंस 28 out of 100 निकल कर आता है। ये स्मार्टफोन शुरुआत के 3-4 महीने अल्ट्रा पर खेलने के लिए ओके रहेगा, फिर आगे चलकर स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर आराम से कंटिन्यू कर लोगे और BGMI में 40 FPS की गेमिंग अच्छे से करा देता है। गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में अल्ट्रा पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता और अगर आप इस स्मार्टफोन में सिर्फ गेमिंग करोगे वो भी बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तो बहुत ही सही परफॉर्मेंस मिलता है। हीटिंग के मामले में भी ये डिवाइस नॉर्मल है, 1 या 1.5 घंटे की गेमिंग पर हीटिंग नॉर्मल रहता है। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है विथ 18W फास्ट चार्जर। बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में भी अच्छा मिलता है, आराम से 6 घंटे तक की कंटिन्यू गेमिंग हो जाती है। बाकी कैमरा सेगमेंट के अनुसार ओके मिलता है, मतलब एकदम हाई की उम्मीद नहीं रखना, एवरेज से हल्का बैटरी मिलता है।
इसमें एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इवेन इसके 4G वाले वेरिएंट में 3GB रैम एक्सपेंड कर सकते हो। इसका बेस वेरिएंट अभी 10,500 के आसपास परचेज कर सकते हो, और अगर बैंक ऑफर लगा देते हो तो 10,000 के अंदर। सो अगर आपको एक ट्रू 5G स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ अच्छा परफॉर्मेंस मिले, तो इन्फिनिक्स हॉट 20 5G को आप बिना ज़्यादा सोचे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 5G कैटेगरी में एक और स्मार्टफोन को आप चेक कर सकते हो, जो है पोको M4 5G। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, Dimensity 700 5G प्रोसेसर मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 18W फास्ट चार्जर के साथ। इस स्मार्टफोन को आप लॉन्ग यूज में स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलने के लिए कंसीडर कर सकते हो, और BGMI में 40fps की गेमिंग ठीक ठाक करा देता है। तो जिन्हें अभी भी पोको पर भरोसा रह गया हो, वो इस स्मार्टफोन को 10,000 पर बिल्कुल ले सकते हो। सो अब कंक्लूजन पर आते हैं। देखो, मैंने आपको हर कैटेगरी में बेस्ट फोन्स के बारे में बता दिया है, और अगर अब भी आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको इस प्राइस पर एक 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इन्फिनिक्स हॉट 20 5G के साथ बिल्कुल जा सकते हो। ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर बहुत तगड़ा है। और अगर अभी आपको सिर्फ परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए, तो आप पोको M5 4G या Redmi 11 Prime में से एक को सेलेक्ट कर सकते हो, जो ब्रांड भी आपको ठीक लगे। और अगर आपकी बजट बिल्कुल टाइट है, बोले तो 10,000 से भी कम है, तो आप 8,000 के आसपास Redmi 10 के साथ जा सकते हो, नॉर्मल गेमिंग के लिए ओके रहेगा। अब रही बात पोको F1 को लेना चाहिए या नहीं, तो देखो बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 मिल रहा, और मैंने जब चेक करा तो ये स्मार्टफोन 10,500 के आसपास मिल रहा था, और कई बंदों ने तो इसे 15,000 पर भी परचेज कर लिया है। बट मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन लॉन्ग टर्म में उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहने वाला है, 10,000 पर ओके रहेगा, या 10,000 से कम में ले लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन ऑलरेडी हल्का स्लो फील हो रहा, और आने वाले 1-2 साल में थोड़ा और स्लो हो जाएगा। पर हाँ, गेमिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लो सिर्फ डे टू डे टास्क में फील होता है, लाइक फाइल ओपन करते वक्त या कोई ऐप ओपन करते वक्त। सिर्फ गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन 10,000 के सेगमेंट को जस्टिफाई करता है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आप इसे ले रहे हो तो अपनी ज़रूरत देख लेना, फिर डिसीजन लेना। सो आई होप आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से एक फ़ोन जरूर मिल गया होगा। तो वीडियो काम की लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।